Dear students, assalamu alaikum. I am Umar Ehsan and you are watching your own channel Wonders of English. Viewers, students, hope you all will be fine. आज बड़े दिनों के बाद जो है मेरी कुछ तबीयत नासाज थी तो मैं आपका लेक्चर नहीं दे सका. तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये ज़रा ब्रीफली हमें बताएं कि जो बटन है इस पर कंप्लीट कंसाइज एनालिसिस और समरी दे. तो हेयर इट इज़, आई रिप्रेजेंट इट टू यू. ये जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की साइंस फिक्शन है. आपका पहला लेसन है फर्स्ट ईयर का बटन. ये जैसे ही बटन हम पढ़ने लगते हैं तो बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर व्हाट इज बटन अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट बटन इज यूज्ड हियर एज अ नाउन. दिस इज बटन, एक बटन है. और सेकंड में कॉमा जो है वो एक पास के लिए, ठहराव के लिए, वक्फे के लिए. फिर बटन प्रेस के लिए. जब आप इसे प्रेस करेंगे फिर ये एज ए वर्ब यूज होगा. क्या होगा? एज ए वर्ब. सो एक नाउन जो है, एक नाउन है बटन और दूसरा जी वर्ब है, एक्शन वर्ड है. ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है विच हैज बीन रिटन इन 1970 बाय रिचर्ड बर्टन मैथिसन. 1970 में इस कहानी को लिखा गया और इस कहानी के जो लिखारी हैं उनका नाम है, जो राइटर हैं, रिचर्ड बर्टन मैथिसन इज नाउन एज रिचर्ड मैथिसन. हिज पेन नेम इज लॉगन स्वेंसन. लॉगन स्वेंसन के नाम से भी उसने लिखा है. उसका जो जॉनरा है उस पर बात करते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन 1926 एंड डाइड इन 23 जून 2023 न्यू जर्सी अमेरिका, यूएसए में ये इसकी हुई है. फिर अमेरिकन ऑथर एंड स्क्रीन राइटर. ये मुसन्नफ भी है और मूवीज़ के जो फिल्म्स होती हैं उनके स्क्रिप्ट राइटर भी हैं. इसका जो जॉनरा है, जो इसका स्टाइल है, ही राइट्स अबाउट साइंस फिक्शन, ही राइट्स अबाउट शॉर्ट स्टोरीज, ही राइट्स अबाउट जर्नल्स, ही राइट्स अबाउट स्क्रीन प्लेज एंड स्क्रीन मूवीज. जॉनरास में साइंस फिक्शन, हॉरर और इमेजिनेशन, इन तीनों पर काम करता है. मगर इसका जो ज़्यादा इसकी फेम की, शोहरत की वजह बनी वो इसकी ये साइंस फिक्शन में. द होराइजन भी इसकी जो एक स्क्रिप्ट है जिसपे मूवीज़ भी बनी हुई हैं, तो उसने भी बहुत फेम हासिल की. तो द बॉक्स नामी मूवी इस ड्रामे में बन चुका है मूवी भी. तो इसको 2010 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया इसकी इस स्टोरी को. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है साइंस फिक्शन का. आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस फिक्शन होती क्या है. साइंस फिक्शन बेसिकली एक स्टोरी होती है. इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरी विच इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस पर मुश्तमिल होती है, मफरूजे पे. विच कैन बी ट्रू इन फ्यूचर एंड कैन नॉट बी ट्रू इन फ्यूचर. कैन बी पॉसिबल इन फ्यूचर एंड कांट बी पॉसिबल इन फ्यूचर. तो इस तरह है कि मुस्तकबिल में इम्कानात हैं कि ऐसा हो जाए ना. मेजर जॉनर्स आपको मैंने बता दिया, फैंटेसी है, शॉर्ट स्टोरीज है, हॉरर एंड साइंस. अब लेट्स गो टू द टॉपिक, स्टोरी. स्टोरी क्या है? बटन एक ऐसी कहानी है जिसमें अमरीकी माशरे की अक्कासी की गई है. अमरीकी माशरे में एक जोड़ा है जिसका नाम है मिस्टर आर्थर लियस और उसकी बीवी है नॉर्मा लियस. ये दोनों काम करते हैं, सेल्फ मेड लोग हैं और एक अपार्टमेंट में छोटे से में रहते हैं. लाइफ इज़ वेरी फास्ट एज यू नो इन यू अमेरिका. अमेरिका में ज़िंदगी बहुत तेज़ चलती है बच्चों. तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ये काम करते हैं और आते हैं, इनकी ज़िंदगी मशीनी अंदाज से चल रही है. आर्थर जो है वो बुक रीडिंग में बड़ी दिलचस्पी रखता है. आर्थर किताबें पढ़ता है. एक बहुत ही शरीफुल्लाफ और डिसेंट किस्म का इंसान है. दूसरी तरफ नॉर्मा लियस, आर्थर लियस की वाइफ, वो एक इंतहाई लालची खातून है और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करनी चाहती है बाय बुक और बाय बुक, जायज़ या नाजायज़ तरीके से. होता ये है कि ये एक ट्राई एंगल देखिए, नॉर्मा, आर्थर लियस और तीसरा है मिस्टर स्टीवर्ट.
मिस्टर स्टीवर्ट एक एजेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक बैनल कौमी तंजीम का नुमाइंदा, ये उनको ऑफर करता है कि आप जो है एक बटन है, बटन यूनिट है, उसको ओपन करें, बटन को दबा दें, दुनिया में कहीं कोई शख्स मर जाएगा जिसे आप जानते भी नहीं होंगे, बदले में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं नुमाइंदा हूँ, ये आपको $50,000 देगी एज अ रिवार्ड। और मज़े की बात यह है कि ना तो आप उस शख्स को जानते होंगे और ना ही मरता हुआ देखेंगे, ठीक है, ये ऑफर्स वो देता है। मैंने जब आपके लिए ये वाइट बोर्ड पे जो है वो लिखा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन लेटर कर देता हूँ, पहले मैं आपको कहानी की बता देता हूँ। तो जैसे ही $50,000 इनको मिलेंगे तो दबा देते हैं, बहस व मुबासा होता रहता है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल ड्रामा, नफ्सियात की गेम है, माइंड सेट है। नॉर्मा ग्रीडी खत्म होती है, वो इसके पीछे पड़ जाती है इस चीज़ के, और अपने आर्थर नॉर्मा बड़ी रजामंद नज़र आती है और उसे दिलचस्पी लेती है। आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ, आर्थर उस अपनी बीवी से जो है वो रजामंद नहीं होता। ही कंसिडर्ड इट इमोरल, इमोरल एक्ट, गैर अखलाकी अमल ख्याल करता है, या वो कहता है कि इट इज़ अ मर्डर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, सो इट्स अनएथिकल। तो वो जो है वो इसको नहीं मानता, वो कहता है ये है तो कतल ही, अगर आप किसी को बटन को दबाएंगे तो दुनिया में कहीं कोई मर जाएगा, नतीजे में है तो कतल ही। तो वो अपनी बीवी को समझाता है कि नॉर्मा नहीं, वो जो नॉर्मा है वो अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात, अपनी ज़िंदगी की लग्जरी आसाइशें पूरी करना चाहती है। शी वॉन्टेड टू गेट कॉटेज, शी वॉन्टेड टू गेट अ कार, शी वॉन्टेड टू गेट न्यू बंगला, बंगलो, इस तरह की चीज़ें वो हासिल करना चाहती है। शी वॉन्टेड टू गो टू यूरोप फॉर अ ट्रिप, तो वो उसे कहती है कि हम ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं $50,000 लेकर। तो वो कहता है नॉर्मा नहीं, ये सब इलीगल है, पैसे की क्या वैल्यू है। तो वो क्या आर्थर को रजामंद करती रहती है, आर्थर रजामंद नहीं होता। फिर आखिर क्या होता है कि जो ये बटन यूनिट है ये दोबारा मंगवा लेती है, और फिर ये बटन जो है दबा देती है, और उसके नतीजे में क्या होता है, उसका अपना खामन आर्थर ही इस दुनिया पाने से रुखसत हो जाता है, ठीक है। जब उसे ये इत्तला मिलती है अगले शाम को जब वो काम से आती है, तो लिनक्सहिल हॉस्पिटल, लिनक्सहिल अस्पताल से ये उसको इत्तला मिलती है कि उसका खामन आर्थर को ज़मीन दोज सबवे रेलवे स्टेशन से लोगों ने कहीं धक्का दे दिया और वो ट्रेन के नीचे आकर मारा गया। वो हजैनी अंदाज में चीखने लगती है, और इसी दौरान जो है वो फ़ोन की घंटी बजती है। वो फ़ोन उठाती है और पूछती है, चीखती हुई कहती है कि आपने तो कहा था कि आप जिस शख्स को वो शख्स मरेगा, जिस शख्स की डेथ होगी, आप उसे जानते नहीं होंगे। तो मिस्टर स्टीवर्ट जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस करेक्टर है, एक बहुत ही पुरासरार आदमी है, वो कहता है, बड़े तारीखी अल्फाज बोलता है, माई डियर लेडी, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, मेरी प्यारी खातून, मेरी अजीज मोहतरमा, क्या आप सच में समझती हैं कि आप अपने खामन को जानती थी, अगर आप जानती होती तो बटन ना प्रेस करती, ठीक है। तो इसी असना में इसी तरह ये जो है वो ड्रामा का एंड हो जाता है। राइटर ने बहुत से सवालात हैं जो अपने रीडर पर छोड़ दिए, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब नहीं मिलते, जैसा कि जो ट्रांजिस्टर वो डब्बा होता है, जब उसे लकड़ी के बॉक्स को तोड़ती है, ना तो उसमें तारें होती हैं, ना उसमें बरकी लहरें होती हैं, ना उसमें कोई कनेक्शन होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होती, और क्या होता है, डेथ भी हो जाती है। अब अगर इसका एनालिसिस करना शुरू कर दें, तो एनालिसिस करते वक्त हमें ये पता चल नहीं, हम नहीं गौरा करते, हमें कुछ नहीं समझ कि वो जो मिस्टर स्टीवर्ट था वो कहाँ से आया था, उसके वो आर्थर की पॉलिसी के बारे में क्या जानता था, क्या मकसद थे। अब जब वो बटन दबा कर हटती है, $50,000 का उन्होंने प्रॉमिस किया है, उसको साथ ही याद आता है कि मेरे हस्बैंड की पॉलिसी थी जो कि $25,000 थी,
$25,000 मेरे हस्बैंड आर्थर ने इंश्योरेंस कराई थी, जो कि अगर वो हादसा की सूरत में मरने की सूरत में डबल हो जानी थी, दुगना हो जानी थी कंपनसेशन के साथ, मुआवजे के साथ। उसके पैसे कितने बनते थे? $50,000, $50,000 उसके पैसे बनने थे। ये वो रकम थी जो नार्मा ने वसूल करनी थी। इस तरह मिस्टर स्टीवर्ट लोगों ने बगैर किसी पैनी को खर्च किए हुए अपना मकसद भी निकलवाया, उसके हस्बैंड को भी कत्ल करवा दिया, उसी के हाथों मरवा दिया। और ये इस तरह ये कहानी बहुत से सवाल छोड़ती है और मुसन्नफ़ ने ये रीडर पर ही छोड़ा है कि वो जो चाहे इसका नतीजा खस करें। और इसका अगर हम ये एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि बाज़ोकात हम अपने प्यारों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, समटाइम्स वी लिव अंडर द सेम रूफ बट वी स्टिल स्ट्रेंजर्स फॉर वन अनदर। हम एक छत के नीचे रह रहे होते हैं और हम एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? अजनबी होते हैं। कहता अगर जानती होती तो उसकी बात ना मानती, तो आप बटन ना दबाती। तो ये कहानी है, ये एक दिलमा है, ये एक सोच है कि एक माशरा, एक्चुअली इट इज़ अ मॉडर्न वर्जन ऑफ जदीद किस्म है ग्रीड इज कर्स, ठीक है। और इसमें ये भी हमें लेसन मिलता है कि समटाइम्स इररिपेयरेबल डिज़ायर्स, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स ब्रिंग इररिपेयरेबल लॉस। बाज़ोकात हमें पता चलता है कि जो अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स होती हैं जिन पर काबू नहीं ख्वाहिशात पर पाया जा सकता, इट ऑलवेज ब्रिंग्स क्या लाती है ये डिज़ायर, इट ऑलवेज ब्रिंग इररिपेयरेबल लॉस, ऐसा नुकसान जिसका अजाला ना हो सके, ये लाती है। अभी फिर इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। देखें, स्क्रीन राइटर है, अमेरिका में पैदा हुआ 1926 में और 2013 में डेथ हो गई न्यू जर्सी में। साइंस फिक्शन लिखता है, ठीक है जी, इमेजिनेशन स्टोरीज लिखता है, हॉरर स्टोरीज लिखता है सर रिचर्ड बर्टन मैथिसन, ठीक है जी। इसकी सबसे ज़्यादा फेम 2010 में इसको हॉल ऑफ फेम में स्टोरी को शामिल किया गया जो 1970 में लिखी गई, बटन बटन में शोहरत हासिल। इस कहानी के करेक्टर्स कितने हैं? 3 करेक्टर्स हैं, ट्राइंगल है, चौथा इसका एक बटन यूनिट है। हस्बैंड है आर्थर, बहुत ही संजीदा, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड जेंटलमैन है, एथिकली स्ट्रॉन्ग है अखलाकी तौर पर। नॉर्मा लियस है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश, ग्रीडी और मॉरली वीक है, अखलाकी तौर पर कमजोर खत्म है उसकी बीवी। मिस्टर स्टीवर्ट है एजेंट ऑफ इंटरनेट इंतजामी बैन अवी तंजीम, मिस्टीरियस एजेंट है, एक पुरासरार सा किरदार है, ठीक है। वो उसको जो है वो उनको ऑफर करता है अ स्मॉल मैन, मिस्टीरियस करेक्टर एंड हैविंग अ हैट ऑन हिज हेड। मिस्टर स्टीवर्ट ऑफर, उसकी पेशकश क्या है? पुश द बटन, बटन को दबाओ, किल सम स्ट्रेंजर, किसी अजनबी को मार दो, गेट $50,000। तो अगर इसको टेक्स्ट की सूरत में कन्वर्ट करें, जो कि मेजर इसका पॉइंट भी है, इसका थीम भी है, इफ यू प्रेस द बटन समवन समवेयर इन द वर्ल्ड वुड डाई, इन रिवार्ड यू विल गेट $50,000। इफ यू प्रेस द बटन Someone somewhere in the world would die and you will get $50,000. Reaction of the Lewis family. Arthur Lewis or Mrs. Lewis is the member of Lewis family. Lewis family ka reaction kya aata hai? Arthur does not take interest. He denies the offer. Offer ko mustard kar deta hai. He doesn't seem to take interest in that offer. Norma, curious, takes interest. Finally accepted it and pressed the button and killed her own husband. ठीक है, यहाँ तक के लिए ये देखें, इट इज़ लाइक अ ट्राइंगुलर, करेक्टर्स आर वर्किंग लाइक अ ट्राइंगुलर, एक मुसलस की तरह काम कर रहे हैं नॉर्मा, आर्थर और स्टीवर्ट, एक दूसरे से इंटरलिंक है। फिर ये देखें, ये बटन यूनिट की इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये एक क्यूब शेप्ड है, कार्टन है, पार्सल है, डब्बा है, मकाब शक्ल, मकब नमा चारों कोने बराबर, ऊपर इसके एक गुंबद नुमा शीशा लगा हुआ है जिसका लॉक है, इसके नीचे ये बटन है, इसको लॉक से खोलना है, प्रेस करना है और समवन समवेयर इन द वर्ल्ड वुड डाई एंड यू विल गेट $50,000। थीम समरी और थीम क्या है? मिस्टर स्टीवर्ट एन एजेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर स्टीवर्ट जो कि एक बैन अवी तंजीम का नुमाइंदा है, एजेंट है, उनको पेशकश करता है अमरीका के एक जोड़े को
कि अगर आप बटन दबाएंगे दे वुड गेट $50,000, $50,000 वसूल पाएंगे। आर्थर जो है वो इसमें दिलचस्पी नहीं देता और इसे गैर अखलाकी समझ कर रिजेक्ट कर देता है। नॉर्मा जो है वो इस टेम्पटेशन, इस लालच का शिकार बन जाती है और बटन दबाकर अपने ही हस्बैंड को मार देती है। थीम और एनालिसिस क्या है? अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स ब्रिंग इरिपेरेबल लॉस। बढ़ती हुई ख्वाहिशात जो काबू में ना आ सके वो ऐसा नुकसान लाती हैं जिसका नुकसान अजाला नहीं होता। मॉडर्न वर्जन ऑफ ग्रीड इज कर्स, जदीद किस्म है लालचपुरी बलाही का एक मॉडर्न वर्जन है। आर्थर्स, फिर इसे याद आता है आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी $25,000 है विच वुड बी डबल इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ विच नॉर्मा विल गेट डबल इंडेमनिटी, इंडेमनिटी कंपनसेशन मुआवजा $50,000 विच इज द एक्चुअल रकम विच नॉर्मा रिसीव्ड आफ्टर प्रेसिंग द बटन। सो ये उसकी अपने हस्बैंड की ही रकम होती है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अच्छा, समटाइम्स वी लिव अंडर, इसका जो एनालिसिस है, जो क्रक्स है, जो मैंने पॉइंट बनाया जो मेरी फिलोसफी के मुताबिक ये है, समटाइम्स बाज़ोकात वी लिव अंडर अ सेम रूफ, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, बट स्टिल स्ट्रेंजर्स फॉर वन अनदर, हम एक दूसरे से अजनबी होते हैं। इंश्योरेंस अमाउंट वॉज द एक्चुअल $50,000 विच नॉर्मा रिसीव्ड आफ्टर, यही रकम वसूल करती है। सो मिस्टर स्टीवर्ट कंप्लीटेड द वर्क विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, बगैर किसी रकम को एनी पैनी को खर्च किए हुए स्टीवर्ट अपना मकसद निकाल देता है। माई डियर लेडी, और बड़े तरीके अल्फाज कहता है, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, कोई पॉइंट जो आपको ना पता चला हो यू कैन ईजीली आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।